मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, सेटअप कैसा लग रहा है यार? बढ़िया लग रहा है ना। मेरा नाम है सक्षम और आप लोग देख रहे हैं टेक इन्वेंट। और आज हमारे पास भाई काफी तगड़ा फोन आ रहा है, आईफोन 12 प्रोडक्ट रेड वेरिएंट। जी हाँ, ये लाल है, लाल है पूरा ठेला लाल है। और ये वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने भी पूछा था कि क्या एस्ट्रो 11 अल्ट्रा लेना चाहिए या फिर आईफोन 12 लेना चाहिए। इसका भैया जवाब दे देंगे। चलो जी, तो देखो भैया, जो कलर्स आपको मिलते हैं इसमें, सबसे पहले आपको ब्लू मिल जाता है, पर्पल, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, रेड, बथेरे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जोन सा आपको लेना है ले लेना। बाकी देखो, अगर बात करें प्राइसिंग की, प्राइसिंग इसकी 35-40 तक आराम से चल जाती है अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से लो या फिर किसी थर्ड पार्टी से लो, तो वो आपको उतना ही प्राइस लगेगा। लेकिन अगर आपको ऑफिशियल लेना है भाई एप्पल की तरफ से, 60 खर्चने पड़ेगी भाई, 60 से नीचे नहीं मानेगा एप्पल। नहीं, तो इतना बेहोत है तभी एप्पल स्टोर पे जाना और खरीदना, वरना चुपचाप थर्ड पार्टी स्टोर में चले जाना। अब देखो, जो इसमें भाई आपको डिस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले आपको इसमें 6.1 इंच की सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले, मतलब शब्द कम हो जाते हैं भाई, उतनी ऐसी डिस्प्ले मिलती है आपको। एंड सच में कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी सही है। ये आगे हम बात करेंगे जब टेस्टिंग वगैरह करेंगे ना, तब बात कर लेंगे इन सब चीज़ों की। और भाई साहब, डिस्प्ले के साथ साथ आपको जो इसमें बॉडी देखने को मिलते हैं, स्टेनलेस स्टील बॉडी मिलती है, काफ़ी सही लगती है। एंड ये आपको ऑब्वियसली वीडियो में दिख रही होगी, एंड काफ़ी सही लगती है यार, मतलब ये शीशा लगाया गया ना, मजा आ जाता है यार कसम से। अब देखो, जितने भी मैं फीचर्स वगैरह बताने वाला हूँ एक ही टेक में बताने वाला हूँ, ठीक है? बाद में टेस्टिंग वगैरह मतलब ध्यान से करेंगे यार, अभी वीडियो खत्म नहीं हो रही है, तुम टेंशन ना लो, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं कैमरास के बारे में। कैमरा इसमें भाई आपको 12 मेगापिक्सल के दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड भी है एंड मेन कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का है। दूसरा, यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है जो कि 12 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पे आपको तीन तीन कैमरा मिल जाते हैं जो कि 12 मेगापिक्सल के है। एंड देखो, टू बी ऑनेस्ट, एप्पल को कैमरा में कोई नहीं टक्कर दे सकता है, ठीक है? ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी, लिखवा के ले लो मुझसे कहीं पे भी लेनी है, ठीक है? सैमसंग अभी कोशिश कर रहा है, बट वो कोशिश करता ही रह जाएगा, ठीक है? एप्पल पहुंच चुका है जहां पे उसने पहुंचना था, एंड वो आपको भाई बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है इन दी कैमरा। अब देखो, जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, सबसे पहले ये प्रोसेसर जो है A14 बायोनिक चिप है, जो कि 5G है भाई। ये फर्स्ट इन द सेगमेंट था जब एप्पल ने 5G इंट्रोड्यूस किया था अपने फोन्स के अंदर, ठीक है? तो टेंशन फ्री हो गए भाई, 5-10 साल जितना मर्जी चलाना चलाओ, जहां तक चल सकता है ये फोन तब तक वहां तक चलाना, क्योंकि 5G इसके अंदर है। और देखो भाई, अगर इसमें व्यूज ना आए ना भाई, मां कसम बता रहा हूँ भाई, चैनल लीव कर देगा। नहीं भाई, चैनल क्यों लीव करूंगा यार, मेरी रोजी रोटी है यार ये, जनता को धमकी दे रहा है। अरे नहीं यार, तुम्हें जो समझना समझो यार, बस व्यूज दे देना यार, भीख मांग रहा हूँ यार, प्लीज भाई हो प्लीज। अब देखो, अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूँ, इसमें जो बैटरी डाली गई है आईफोन 12 की, बेसिकली 2800 mAh बैटरी आपको मिलती है। अब देखो, काफ़ी लोग बोले कि ये ज़्यादा है, काफ़ी लोग बोले ये कम है, पर देखो महंगी चीज़ ले रहे हो तो महंगी चीज़ को झेलना सीखो। गाड़ी लेते हो ना महंगी, तो उसमें एवरेज कम मिलती है ना, तो बस प्लीज़, मैं कहने का मतलब समझो यार। तो देखो भाई, जो इसमें आपको नोच मिलती है, अब नोच मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बट देखो एक चीज़ सोचने वाली है, 2020 में फ़ोन लॉन्च हुआ था, 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड मुझे नहीं लगता भाई किसी को ये घटकेगा कि भाई इसमें नोच ज़्यादा है, बड़ी है, छोटी है, कम है, कितनी है, नहीं घटकेगा। क्योंकि यार अगर छोटी चाहिए नोच तो आईफोन 13 ले लो, 14 ले लो भाई, और आईफोन 15 भी आने वाला, तो वो ले लेना यार। अब देखो, जो इसमें आपको OS मिलता है, OS बेसिकली iOS 17 सपोर्टेड है, बट इसमें अभी iOS 16 है, क्योंकि iOS 17 बीता है, ज़्यादा वो हैंग हुंग हो रहा है, तो उस पर मैं चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन iOS 16 भाई काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है, ये स्टेबल वर्जन आ चुका है सारे एप्पल यूजर्स के लिए, एंड iPhone 8 के बाद ये आपको सभी में मिलेगा। तो भाई, वो वक्त आ गया थोड़ी सी गेम में खेलने का, अब ये मैं नहीं खेलूंगा, ये हमारे कुछ भाई बंधु खेलेंगे, तो उनको मौका देते हैं, आ जाओ भाई। सब पता कर लिया, क्या क्या फीचर्स दिए हुए, अब थोड़ी डिटेल में बातचीत कर लेते हैं भाई। सबसे पहले गेम्स खेलते हैं, गेम्स इसमें हमने पहले खेली, BGMI खेलने लगे थे, बट BGMI का अपडेट आ चुका था 1GB का,
नहीं था इतना भाई, तो हमने कॉल ऑफ ड्यूटी चलाई। कॉल ऑफ ड्यूटी में भाई अच्छे खासे इसने परफॉर्मेंस कवर अप की, जो कि आपको दिख रहा होगा, एंड काफ़ी सही यार मतलब को लगा यार गेम प्ले। एंड ऑब्वियसली जो इसकी साउंड है, जो साउंड इफेक्ट्स आती है गेम के टाइम में, एंड काफ़ी सही है। स्टीरियो स्पीकर्स आपको इसमें मिलते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज आपको गेम प्रोवाइड कर देता है। और अगर कैमराज के बारे में बात करूँ भाई, कैमराज अगर तुम वीडियोग्राफी करना चाहते हो इसके साथ, तो भाई 4K आराम से चला लेगा, 3060 घूमसा बोलना है कर लेगा, संभाल लेगा। 1080 पे भाई आजकल हर जना खाना भाई 1080 भी लेके घूमता है, तो वो भी ये कर लेता है। बाकी क्या बातचीत है इसमें, अगर हम वीडियो में जूम करने वाले कितना जूम कर सकते हो, तो 3x तक जूम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर हम फोटो के बारे में बात करें 5x तक कर सकता। और अगर बात करें सैंपल्स के बारे में, तो सैंपल्स आपकी स्क्रीन में ये रहे। भाइयों एक सब्सक्राइबर भाई का मेन सवाल आता है कि क्या S21 अल्ट्रा लेना चाहिए या फिर हमें आईफोन 12 लेना चाहिए। देखो ये सबसे पहले मिलता है ऑफलाइन स्टोर में, आराम से मिल जाएगा, एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ऑफलाइन स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो अगर आपको नया नवेला चाहिए दुल्हन की तरह, तो वो आप ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन देखो एक चीज़ है, S21 अल्ट्रा काफ़ी बेटर है इसके मुकाबले। देखो इसमें आपको 2 कैमरास मिलते हैं, उसमें 3 कैमरास 4 कैमरास मिलते हैं, लिटरली वो 100x तक जा सकता है। जहाँ पे भाई ये 5x तक जा सकता है, वो 100x तक अचीव करता था, तो वही बात है। बाकी देखो कंडीशन दोनों की सेम होनी चाहिए, देखा ठीक है। ये आपको ऑफलाइन स्टोर में आराम से मिल जाएगा, एंड उसके अगर मैं बात करूँ तो वो कहीं नहीं मिलता, वो आपको सेकेंड हैंड ही परचेज करना पड़ेगा, या तो कोई थर्ड पार्टी डीलर से लेना पड़ेगा या फिर कैशिफाई OLX में लेना पड़ेगा। भाई कहने का मतलब है कि अगर भाई S21 अल्ट्रा अच्छी कंडीशन में आपको मिल रहा है, तभी परचेज करना, वरना मत खरीदना, ठीक है। जाके देखना पहले, टेस्टिंग वेस्टिंग करना भाई, कैमरा कैसा चल रहा है, डिस्प्ले कैसी ठीक चल रही है कि नहीं है, बैटरी कितना कहाँ तक चला पा रहा है, तो वो सब देखना। अगर तभी अच्छा लग रहा है तो तभी परचेज करना। वैसे ये आपको ऑफलाइन स्टोर में मिल जाएगा आराम से, किसी भी ऑफलाइन स्टोर में चल जाओ, थर्ड पार्टी चल जाओ या फिर एप्पल के ऑथराइज में चल जाओ, आराम से देखने को मिल जाएगा। बट वो नहीं आपको ऑथराइज मिलेगा, वो आपको थर्ड पार्टी से ही लेना पड़ेगा। तो भाई ये सॉरी समय की घोषणा हो चुकी है गाइस। देखो हमने ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की, एंड आई होप आपको पसंद भी आई होगी वीडियो। मैंने जो भी बताना चाहता था आईफोन 12 के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले है यार, आपके लिए तो हमेशा खोल के रखता हूँ, जो भी है बिंदास लिख दो यार, सारा कुछ बता दूंगा, बातचीत करेगी वहाँ पे, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।